हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबॉटनी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएँ। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जो किसी भी परितंत्र का निर्माण जीवित यानी लिविंग और नॉन लिविंग घटकों से मिलकर बना होता है। लिविंग सिस्टम में स्वतः ही वृद्धि, जनन व अपने आप को बनाए रखने आदि की शक्ति पाई जाती है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जैविकी का आणविक स्तर व अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से लिविंग सिस्टम की रचना नॉन लिविंग परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जैविक प्रक्रमों में भाग लेने वाले अणुओं, जैव यानी बायो मॉलिक्यूल्स के संगठन, गुणों की संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन, जैविक और शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रमों के उनके प्रकारों को समझाने के अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये जो होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फ्रेंड्स, बता दें हम आपको, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रारंभिक रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों के एक बहुत बड़े समूह के रूप में होते हैं। लिविंग सिस्टम विभिन्न जटिल जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड तथा लिपिड आदि से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के आवश्यक घटक है। ये जैव अणु आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जीवन प्रक्रमों के सभी विचारणीय और सभी समझने योग्य मार्गों को संगठित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ साधारण सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे विटामिन्स और खनिज लवण आदि भी जीवों के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रारंभिक रूप से पौधे द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों के एक बहुत बड़े समूह के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट त्रिणी यौगिकों के अंतर्गत ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज या गन्ने को कैन शुगर C12H22O11, स्टार्च C6H10O5 आदि यौगिक आते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H2O(y) है, जहां X और Y गुणांक होते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात H2O के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन और हाइड्रेट्स माना जाता है, और इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट्स रखा। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र C6H2O6 के अनुरूप है, लेकिन और सभी यौगिक जो कि इस सामान्य सूत्र के अनुरूप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकृत नहीं होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी दो मुख्य श्रेणियाँ होती है, एक तो शुगर्स होता है और दूसरा नॉन शुगर्स होता है। ये पॉलीसैकेराइड में विभाजित किए जाते हैं। तो फर्स्ट है शुगर्स। ये जो शुगर्स स्वाद में मीठी होती है, रंगीन क्रिस्टलीय व जल में विलय कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें दो क्लास में विभाजित किया जाता है। तो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोसिस। वे शुगर्स जिन्हें और अधिक सरलतम रूप में वाटर में अपघटित नहीं किया जा सकता, इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जहां N2, 3, 4 आदि व्यस्त करता है। लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, मैनोज C6H12O6, हेक्सोज C6H12O6, राइवोज C5H10O5 मोनोसैकेराइड्स तथा आर्वेनोज, जाइलोज, लाइकोज, पेंटोज C5H10O5 कुछ सामान्य मोनोसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज C12H22O11, मल्टोज C12H
22O11 लैक्टोज C12H22O11 C12H22O11 यानी सुक्रोज प्लस H2O यानी जल इक्वल टू ये हीट होता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज बनाता है। इस जल अपघटन में जल का एक अणु प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार C12H22O11 यानी मल्टोज प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 ग्लूकोज C12H22O11 लैक्टोज प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 ग्लैक्टोज। अब ट्राइसैकेराइड्स की बात करते हैं तो C18H32O16 इसका सामान्य सूत्र CnH2O होता है। ट्राइसैकेराइड्स जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं तथा जल के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं। रेफिनोज C18H32O16 ट्राइसैकेराइड्स है। रेफिनोज C18H32O16 ये रेफिनोज होते हैं प्लस 2H2O C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज प्लस C6H12O6 ग्लैक्टोज। 2 है नॉन शुगर्स पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीसैक्रोसेस जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स अणुओं के 10 से अधिक बड़ी संख्या देते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अधिकांश पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च सेलुलोज डेक्सट्रिन हेमिसेलुलोज ग्लाइकोजन इनुलिन म्यूसिलेज पैक्टिन आदि प्रमुख पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च C6H10O5 प्लस NH2O इक्वल टू NC6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स को आगे उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या तथा क्रियाशील समूह के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह होता है तो इसे एल्डोज के नाम से जाना जाता है और यदि कीटोन होता है तो कीटोन्स के नाम से जाना जाता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या से संगठित मोनोसैकेराइड को नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। ये देखिए ये इसकी सारणी है। विभिन्न प्रकार के 5 मोनोसैकेराइड्स होते हैं एल्डोबायोस एल्डोट्रायोस ये एल्डिहाइड है एल्डो टेट्रोज एल्डो पेंटोज एल्डो हेक्सोज एल्डो हेप्टोज इसके नाम है बायोज ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज हेक्सोज हेप्टोज। इसके जो ये कीटोन है कीटोबायोज कीटोट्रायोज कीटो टेट्रोज कीटोपेंटोज कीटोपेंटोज और कीटोहेप्टोज। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये वाटर में अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन आदि इनके एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल C6H10O5 प्लस NH2O हीट पे NC6H12O6 यानी हीट होकर ग्लूकोज बनाता है। इस प्रकार के पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है जहां पर N का मान 10 से 200 तक हो सकता है। पॉलीसैकेराइड विस्वाद रंगहीन अरवेदार यौगिक होते हैं। कुछ पॉलीसैकेराइड जल अविलय तथा शेष सभी जल में घोलने पर कोलाइड घोल अथवा जेली बनाते हैं। इनका खनिज अम्ल अथवा एंजाइम द्वारा जल अपघट होने पर पहले माध्यमिक यौगिक के रूप में डाइसैकेराइड प्राप्त होते हैं और अंत में मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं जिससे इनका निर्माण होता है। अनेक पॉलीसैकेराइड का निर्माण ग्लूकोज अणुओं में होता है। ग्लूकोज के अतिरिक्त DL ग्लैक्टोज D-मैनीज D जाइलोज D अरेविनोज तथा साथ ही साथ D ग्लूकोरोनिक D ग्लैक्टोरोनिक मैनोरोनिक D ग्लूकोसेमाइन डी ग्लैक्टोसेमाइन एवं एमिनो यूरिनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। इनके द्वारा नाइट्रेट्स एवं एसीटेट्स बनता है जिससे सिद्ध होता है कि इन
अणुओं में स्वतंत्र हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। सरल शर्कराओं से बने पॉलीसेकेराइड को होमोसेकेराइड्स और हेट्रोसेकेराइड्स समूह में बांटा जाता है। फर्स्ट हो गया स्टार्च या एमिलम C6H10O5 एंड सेलुलोज के बाद स्टार्च प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। पौधों को भोजन स्टार्च के रूप में रहता है जिसमें ये प्राय सभी पौधे या उनके उत्पादों में पाया जाता है। गेहूं जैसे गेहूं जौ चावल आलू मक्का आदि में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च में लगभग 20% अल्फा एमिलोज और 80% एमिलो पैक्टिन उपस्थित हैं। अल्फा एमिलोज स्टार्च का जल में डिस्प्रेसिबल प्रभाव है। एमिलो पैक्टिन जल में विलय है। सेकंड है सेलुलोज। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। ये वनस्पति की कोशिका सेल वॉल का मुख्य अवयव है। ये कुछ एनिमल्स टिश्यूज में भी मिलता है। इनके मुख्य स्रोत लकड़ी कागज जूट कपास रुई आदि है। इसमें अल्प मात्रा में खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो जलाने पर राख के रूप में बचते हैं। इसका स्रोत कॉटन लगभग शुद्ध सेलुलोज है। थर्ड है इन्यूलिन। इसमें इन्यूलिन का स्ट्रक्चर है तो इन्यूलिन एक रंगीन अक्रिस्टलीय पॉलीसेकेराइड है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है। इसके जल अपघटन से लगभग 30% फ्रक्टोज अणु प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन्यूलिन एक फ्रक्टोज लीवेन होता है। इसका जल अपघटन तनु खनिज अम्ल अथवा इन्यूलेज एंजाइम द्वारा होता है। फोर्थ है ग्लाइकोजन। जब शरीर में ग्लूकोज उसके ईंधन के लिए आवश्यक से अधिक उपलब्ध होता है तो जंतु कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोरेज करते हैं। ग्लाइकोजन अल्फा आबंधित डी ग्लूकोज यूनिटों का शाखित पॉलीसेकेराइड है जिसकी मुख्य श्रृंखला के C6 से शाखाओं से जुड़ी होती है। ग्लाइकोजन में एमिलोपेक्टिन के अपेक्षाकृत शाखाएं अधिक होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए आवश्यक पुष्क पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वसा विटामिन खनिज लवण व जल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन का अति महत्वपूर्ण अवयव है। इसके सेवन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।